इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जिन्ना ने कोशिश शुरू की. इन द नेक्स्ट टू ईयर्स जिन्ना वर्क टू बिल्ड अ सपोर्ट अमंग मुस्लिम्स फॉर द मुस्लिम लीग. मुसलमानों में फिर प्रॉपर ग्रास रूट कैंपेन अब शुरू करेंगे जिन्ना मुस्लिम लीग के लिए. ही सिक्योर्ड द राइट टू स्पीक फॉर द मुस्लिम लेड बंगाली एंड पंजाबी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली. ही वर्क टू एक्सपैंड द लीग रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेम्बरशिप टू टू अन्नाज. दो एक अन्ना जो है वो एक आठ हिस्सा होता है रुपए का, तो दो आने जो थे वो फिक्स की उन्होंने मेंबरशिप कॉस्ट हाफ ऑफ व्हाट इट कॉस्ट टू जॉइन द कांग्रेस. कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चार आने चाहिए होते थे, उन्होंने कम की कॉस्ट मुस्लिम लीग के लिए दो. ही रीस्ट्रक्चर्ड द लीग अलोंग द लाइंस ऑफ कांग्रेस पुटिंग मोस्ट पावर इन अ वर्किंग कमेटी विच ही अपॉइंटेड. तो एक बड़ी पार्टी को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो उसकी एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाती है जिसमें आप अपने ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट्स को उन्होंने अपॉइंट किया और वो बेसिकली ज़्यादातर मामला डिसाइड करते थे लीग के. सो दो सालों के अंदर इन पॉलिसीज़ के नतीजे में लीग की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आम लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल हो गए लीग के अंदर. तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब दो अन्ना मेंबर यानी जो लोग इस रिफॉर्म के बाद इस मैम एंटर हुए थे वो 30 लाख तक पहुंच गए. इट्स राइट दैट द मुस्लिम लीग वुड बी डिमांडिंग पार्टीशन इंस्टेड ऑफ अ फेडरेशन कॉन्टेम्पलेटेड इन द 1935 एक्ट. 6 फरवरी को फिर जिन्ना ने वॉइसराय को बताया कि मुस्लिम लीग जो है वो फेडरेशन डिमांड नहीं करेगी जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इन्विजन किया गया था. हम अलहदगी डिमांड करेंगे, पार्टीशन डिमांड करेंगे. इसके कॉन्टेक्स्ट में लाहौर रेजोल्यूशन आई 1940 के अंदर. लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन से पहले जिन्ना ने अपने जो ओपिनियंस थे वो एक्सप्रेस किए एक आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने लंदन के मैगज़ीन वीकली मैगज़ीन टाइम एंड टाइड के अंदर उन्होंने लिखा था 9 मार्च 1940 को, क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन तो 23 मार्च 1940 को आई है. 9 मार्च को उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स जो हैं जो हमें मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो दैट वुड रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ जिन्ना इन द मुस्लिम लीग पोजिशन एट दैट टाइम. और वो क्योंकि पहले से चेंज हो चुकी हुई थी, बिकॉज पहले मुस्लिम लीग ने भी पार्टीशन की एज सच डिमांड नहीं रखी थी. इवन दो डिफरेंट पार्टीशन की डिमांड्स डिफरेंट क्वार्टर से आई थी, अलाहाबाद एड्रेस में भी आई, फिर पाकिस्तान डिक्लेरेशन के अंदर चौधरी अहमद अली ने दी, लेकिन मुस्लिम लीग एट दैट पॉइंट वॉज वर्किंग ऑन फेडरेशन का मॉडल कि ऑल इंडिया फेडरेशन हो जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनमीज हो, मुसलमानों की बाउंड्रीज रीड्रॉ ना की जाएँ, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए ताकि सिंध मुसलमानों की ज़्यादा मेजॉरिटी वाला प्रोविंस रहे. 14 पॉइंट्स में जो आउटलाइन की थी वहाँ पर कहीं इंडिपेंडेंस नहीं थी. लेकिन 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद और कैबिनेट सॉरी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद जब मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया कि मुस्लिम लीग को ये एहसास हुआ कि वो एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर कांग्रेस सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ऑफ जनरल सीट्स पे जीतेगी और मुसलमान आउट रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जहां मुसलमान मेजॉरिटी. मुस्लिम लीग का इसके ऊपर ये था, जिन्ना आर्ग्यूड दैट द प्रपोजल्स वर मेरली अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन. और जिन्ना का ये पॉइंट था कि ये एक तो ड्राफ्ट एक ही डिक्लेरेशन है, ये एक मुसवदा है सिर्फ, और ये एक सिर्फ आप सिर्फ ऐलान करें एंड डिड नॉट मीट द डिमांड्स एंड तो ये कोई स्पेसिफिक डिमांड्स जो है हमारी उसको पूरा नहीं किया जा रहा. और जिन्ना का ये भी क्रिटिसिज्म था कि ये जो क्रिप्स की जो जहन में विजन है इट प्रेफर्ड अ स्कीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया, और जिन्ना बाय दैट टाइम वाज नॉट फेवरिंग यूनाइटेड इंडिया बिकॉज 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बाद सॉवरन कंट्री की बात वो कर चुके हुए थे. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्ना आर्ग्यूड दैट देर वॉज नो क्लियर कंसेशंस फॉर पाकिस्तान इन द प्रपोजल्स एंड ही फर्दर एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द मुस्लिम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट सफिशेंटली रिकग्नाइज. उन्होंने कहा इट्स नॉट सफिशेंटली रिकग्नाइज जो मुस्लिम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है. ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द लेटेस्ट स्टेज ऑफ निगोसिएशन, क्योंकि क्रिप्स का ज़्यादा फोकस कांग्रेस पे था, मुस्लिम लीग को साइडलाइन रखा, इस पर भी तनकीद की. लेकिन ये ज़रूर बात की कि डिस्पाइट रिजेक्शन जिन्ना एंड द लीग सॉ क्रिप्स प्रपोजल एज रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान इन प्रिंसिपल. इन स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं, लेकिन चूंकि जब हल्की फुल्की जगहों पर मुख्तलिफ टाइम पे क्रिप्स ने प्रिंसिपली एग्री किया कि अच्छा ठीक है आप राइट टू सीड बाद में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं,